खरगोन जिले के सेगांव में बेमौसम अचानक आई बारिश ने क्षेत्र में भारी नुकसान किया, जहां सैकड़ों कुंटल अनाज मंडी में बारिश से खराब हुआ, तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आने से लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। सोमवार देर रात शुरू हुई रिमझिम बारिश मंगलवार सुबह रात तक जारी रही। रात्रि में बारिश ने अपना कहर बरपाया और मंडी में व्यापारियों के रखे लगभग 500 क्विंटल गेहूं की फसल खराब हो गई। व्यापारी मंडी संघ अध्यक्ष नारायण अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों का अनाज मंडी में रखा था, बारिश की ऐसी कोई संभावना निकट में नहीं थी। रात में बारिश होने से अभी कुछ समय पाते इससे पहले ही गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गए। इसी के साथ मंडी में ही समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे चने भी इसकी चपेट में आते आते बचे। मातेश्वरी संस्था प्रबंधक मनोज यादव ने बताया कि सोमवार को 1000 क्विंटल से ज़्यादा चना मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, इसमें से आधे चना बेच दिया गया है। सांगवी का सोकड़िया नाला उफान पर आ गया, लोग बाढ़ के पानी में निकलते हुए अपने खेतों में गए। बताते हैं कि कुछ आदिवासी घरों में पानी घुस गया था। से गांव से संजय जायसवाल के साथ गौरव दोसंदी की रिपोर्ट। मंडी में रखा हुआ समर्थन मूल्य का चना तेज बारिश में गीला हुआ क्या? नहीं हो, कुछ भी नहीं हो पाया। रात में बारिश आई थी तो फिर? एक्चुअली मैं यहीं रुका हुआ था, रात में यहीं रुकता हूँ, तो रात को इमरजेंसी में तिरपाल वगैरह पैक कर दी और हम लोगों को इमरजेंसी बुला बुला के पूरा पैक कर दिया, एक भी कट्टा गीला नहीं हुआ। क्या यह मंडी में रखा व्यापारियों का गेहूँ गीला हुआ है? हाँ, ये इनका हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।